Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and aap dekh rahe hain Cricket Maiden. In this video, we are going to talk about CSK versus Punjab ka jo match hone wala hai, uske baare mein thodi hum baat karenge. Halka sa touch on karenge jo second match hone wala hai between LSG and KKR. And cricket duniya ki taraf se bahut hi spicy khabrein hain, uske baare mein bhi hum baat karenge. To sabse pehle aap video ko like karenge, channel ko subscribe karenge and agar aapke koi comments hain to aap zarur niche mention kar dijiyega. So bhai, sabse important jo match hai to match hai and दूसरी तरफ जो है वहां विराट कोहली एंड सुनील गावस्कर की तरफ से कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया है. सुनील गावस्कर थोड़ी सी लाइमलाइट में आते हुए, अपने आप को लाइमलाइट में एक्चुअली ढकेलते हुए, विराट कोहली पे पॉट शॉट्स लेते हुए, स्टार स्पोर्ट्स पे पॉट शॉट्स लेते हुए, तो भाई सुनील गावस्कर जी, आपका टाइम थोड़ा खत्म हो गया है. इतना टीआरपी गार्नर करने के लिए आपको विराट कोहली का नाम यूज करते हुए अच्छा नहीं लगता है. सो वील टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट बट लिटिल लेटर इन द वीडियो. देन PSL एंड IPL की कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी. सबसे पहले जो आज का मेन मुद्दा है, मैच है बिटवीन CSK एंड पंजाब किंग्स इन द धर्मशाला. ब्यूटिफुल धर्मशाला स्टेडियम. आफ्टरनून का ये मैच है. MS धोनी इज इन द ग्राउंड बट द पंजाबीज आर इन फॉर्म. तो भाई दिस इज गोइंग टू बी अ बिग मैचअप. दोनों सेलेब्स हैं, दोनों साइड एक तरफ प्रीति जिंटा है एंड हमारे थाला धोनी, जिन्होंने लास्ट टाइम सिंगल डिनाई कर दिया था मिचेल को, वो भी कुछ कम सेलिब्रिटी नहीं है. ऐसी कोई चीजें करते रहते ताकि वो कंटिन्यूअसली न्यूज में बने रहें. एनीवे, आज के मैच की बात में किया जाए तो एज आई टोल्ड यू, धर्मशाला में ये मैच है एंड आज ड्यू व्यू तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी. यहाँ जो पिच होती है वो फास्ट बोलर्स को असिस्ट करती है. इट इज़ वन ऑफ द फ्यू ग्राउंड्स इन इंडिया विच असिस्ट्स फास्ट बोलिंग. मोहाली का ग्राउंड करता था एंड नाउ धर्मशाला इज ऑल्सो सपोर्टिंग फास्ट बोलिंग एंड एक बार शुरू का वो निप चला जाता है तो भाई बहुत ही बेटर पिच बन जाती है, अच्छे रन्स बनते हैं एंड इट्स अ स्मॉल ग्राउंड सो भाई काफ़ी रन्स एक्सपेक्टेड हैं. CSK का जो फॉर्म है अभी थोड़ा सा 50-50 चल रहा है, उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहे हैं जितना ये कंबाइन एक यूनिट जैसे खेलते हैं. बट पंजाब इज इन रेड हॉट फॉर्म, बहुत ही ज़बरदस्त ये खेल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये जिस तरीके से इन्होंने बैरिस्टो ने चेस किया 262, शशांक ने भी चेस किया, बैरिस्टो ने चेस किया एंड देन अभी CSK को ये छिपॉक में हरा के आए हैं. सो दे विल बी राइडिंग हाई ऑन कॉन्फिडेंस एंड पंजाबीज का जब कॉन्फिडेंस हाई होता है ना भाई, ये कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी. अब वो बात अलग है कि भाई कुछ पॉजिटिव करें या कुछ नेगेटिव करें, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये कुछ करने का इनपे फुल केपेबिलिटी है. सो एनीवे, द पंजाबीज आर गोइंग टू रॉक टुडे. मैं तो आज पंजाब को सपोर्ट कर रही हूँ, हालांकि मैंने येलो पहना है बट दैट डज नॉट रियली मैटर. कुछ भी पहनो लेकिन दिल से तो भाई मैं पंजाबी हूँ एंड वैसे भी मैं पंजाबी हूँ तो मैं पंजाब को आज सपोर्ट कर रही हूँ. धर्मशाला में ये मैच होगा एंड आप जरूर 3:30 से इंजॉय करिएगा. 3 बजे टॉस होगा, 3:30 से ये मैच शुरू हो जाएगा. अराउंड 6 o'clock हम लाइव आ जाएंगे तो हम सेकेंड इनिंग्स जो है आपके साथ लाइव वॉच अलॉन्ग करेंगे. सो हेड टू हेड की बात की जाए दोनों गेम्स में तो भाई CSK का बड़ा स्लाइट सा एडवांटेज है 15-14 इन द 19 गेम्स दैट दे हैव प्लेड. हाउएवर, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग बात यह है दैट लास्ट 5 गेम्स जो हैं इन दोनों ऑपोजिशन के बीच में वो पंजाब किंग्स जीती है. सो दैट्स एन ऑसम स्टैट. ऑल 5 गेम्स दैट हैव बीन प्लेड, द लास्ट 5 गेम्स दैट हैव बीन प्लेड हैव बीन वन बाय पंजाब किंग्स. सो दे विल बी राइडिंग ऑन दिस कॉन्फिडेंस एंड वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे, एक और मैच इस रिकॉर्ड में ऐड करना चाहेंगे. सो भाई लेट्स सी हाउ दैट गोज. प्लेऑफ्स की अगर बात की जाए तो बोथ आर कंटेंडर्स, हालांकि CSK एक स्ट्रॉन्गर कंटेंडर है, पंजाब एक वीकर कंटेंडर है, बट फिर भी बोथ आर स्टिल कंटेंडर्स. अगर पंजाब आज जीत जाता है पंजाब का कंटेंशन और स्ट्रांग हो जाएगी, CSK थोड़ी सी ट्रबल में आ जाएगा बिकॉज CSK इज लॉक जैम पे वो अभी फंसा हुआ है. उनको ये पॉइंट दोनों जरूर चाहिए SRH को या LSG को डिस्प्लेस करने के लिए, बट दिस गोइंग टू बी अ टफ राइड बिकॉज पंजाब उनका नेमेसिस बना हुआ है एंड हर मैच में आके उनको हरा जाता है, उनके पॉइंट्स ले जाता है. हाउएवर, मैं एक मैच आपको याद दिलाना चाहती हूँ इन 2010 में इसी ग्राउंड में, धर्मशाला के ग्राउंड में, जब CSK को मस्ट विन मैच था प्लेऑफ्स में जाने का, थाला धोनी ने लास्ट ओवर में वो मैच जिताया था एंड प्लेऑफ्स में अपनी टीम को क्वालिफाई करवाया था और तब उस ईयर में जो है CSK अपना फर्स्ट टाइटल जीती थी. सो इट वॉज दिस मैच हियर एट धर्मशाला, लास्ट ओवर फिनिश, MS धोनी एट द क्रीज,
उन्होंने ये मैच जिताया था, प्लेऑफ्स में लेके गए एंड टाइटल जिता दिया। तो धर्मशाला हैज बीन अ गुड लकी गुड हंटिंग ग्राउंड एंड अ लकी ग्राउंड फॉर CSK। बट यार हमारे पंजाबी का ये ग्राउंड है, सो भाई लक चाहे जिस तरफ जाए, लास्ट 5 गेम्स हमने जीती हैं, तो हम ये रिकॉर्ड बहुत ईजिली नहीं जाने देंगे। सो एनीवे पंजाब इज राइडिंग ऑन अ वेव ऑफ कॉन्फिडेंस, बट कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने सही करनी है। पॉजिटिव इंटेंट से खेलना है। देखिए आप दिमाग से या यू नो आउटफॉक्स नहीं कर सकते CSK को, वहाँ बहुत ही चलाक थाला धोनी एंड स्टीवन फ्लेमिंग बैठे हैं। यू कांट आउट स्मार्ट देम, आउटफॉक्स देम, सो यू हैव टू प्ले देम आउट। तो आपको बैश करना है, बहुत हार्ड आना है CSK के यू नो अगेंस्ट, एंड एकदम भी होल्ड बैक नहीं करना है, कंप्लेसेंट नहीं होना है, किसी भी टाइम में स्टीम लेट ऑफ नहीं करनी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू गो अग्रेसिव, यू हैव टू बोल इन अ डिसिप्लिन मैनर। हर्षल पटेल को थोड़ा सा बोलिंग करेक्शन करनी पड़ेगी जिस हिसाब से वो बोलिंग कर रहे हैं। आई फील ही इज यू नो अ वीक लिंक इन देयर बोलिंग लाइन अप, एंड यू हैव टू टेक ऑल योर कैचेस। तो भाई थोड़ा सा फील्डिंग के मामले में पंजाब थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रहती है, तो फील्डिंग आपने सही करनी है। अगर आप बेसिक्स जो है डिसिप्लिन बोलिंग, गुड फील्डिंग, टेकिंग कैचेस एंड गोइंग अग्रेसिव जो आपका नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले है, देन ओनली कैन यू चैलेंज CSK इन अ स्मॉल ग्राउंड। सो एनीवे हेड टू हेड बहुत मार्जिनल है, CSK 15 है एंड पंजाब 14 है, आज 15-15 भी हो सकता है। अगर हम पिच की बात करें तो फास्ट बॉलिंग है, ड्यू नहीं इफेक्ट करेगी बिकॉज आफ्टरनून का मैच है। अवेलेबिलिटी अगर हम बात करें तो भाई शिखर धवन अभी भी अवेलेबल नहीं है, टॉस के टाइम पता चलेगा वेदर ही इज फ्री टुडे, यू नो इज अवेलेबल टू प्ले टुडे और नॉट। उनके बिना भी काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है टीम का, तो भाई थोड़ा सा और बाहर रह जाइए, वी डोंट रियली माइंड दैट शिखर धवन। सो एनीवे इसके अलावा दीपक चहर जो हैं वो रूल आउट हो गए हैं, उनको इंजरी हो गई है एज यूजुअल। दीपक चहर कुछ मैचेस के मेहमान ही होते हैं, ज़्यादा ये खेलते वेलते हैं नहीं, इनको ज़्यादा टेंशन वेंशन पसंद नहीं है, प्लेऑफ्स वेऑफ्स का टेंशन ये नहीं ले सकते। तो भाई वो हो गए हैं आउट, रूल आउट हो गए हैं। मुस्तफिजूर अपने चले गए हैं नेशनल ड्यूटीज अटेंड करने बांग्लादेश की तरफ से, सो ही विल नॉट बी अवेलेबल। पति राणा को लास्ट टाइम निगल था, ही शुड बी अवेलेबल फॉर दिस मैच। सो मैचअप्स अगर देखा जाए तो CSK की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ एंड शिवम दुबे आर इन रेड हॉट फॉर्म। ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स, सो अर्शदीप शुड कम इन एक्शन हियर, उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए भी आप सिलेक्टेड हैं, तो भाई थोड़ा थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करनी होगी। लास्ट टाइम जैसे 1 विकेट लेके 52 रन आप जो पिट गए, वो काम अर्शदीप आपने नहीं करने हैं, गायकवाड़ को आपने फंसाना है, आउट करना है। शिवम दुबे के अगेंस्ट कुछ स्ट्रैटेजी लगानी है। सैम करन विल ऑल्सो बी इंस्ट्रूमेंटल अलॉन्ग विद यू नो अर्शदीप, ये दोनों बैटर्स को उड़ाने के लिए। सो एनीवे ये जो है हमारे प्राइमरी मैचअप्स हैं। अगर हम बैटिंग की बात करें तो भाई मैं पंजाब को 8/10 दूंगी। सो भाई पहली बारी लाइफ में आई थिंक मैंने पंजाब को 8/10 दिया होगा, बिकॉज जनरली इनकी बैटिंग ड्विंडल ड्विंडल करती रहती है, लेकिन इस टाइम जो है बैटिंग यूनिट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो 8/10 फॉर पंजाब। CSK आई विल गिव 6/10, क्योंकि दुबे एंड गायकवाड़ के अलावा कुछ ज़्यादा प्लेयर्स मुझे फॉर्म में नहीं लग रहे हैं। रहाने जो ओपनिंग कर रहे हैं सिवियरली आउट ऑफ फॉर्म है। मिचेल जो है एक मैच में चले हैं, ज़्यादा नहीं चल रहे। थाला धोनी बिल्कुल एंड में आते हैं। जडेजा जो है वो चल नहीं रहे हैं। तो शिवम दुबे एंड गायकवाड़ पे मोर और लेस जो है ये पूरी बैटिंग लाइनअप डिपेंडेंट है। सो 6/10 फॉर बैटिंग ऑफ CSK, 8/10 फॉर पंजाब। बोलिंग अगर देखी जाए तो भाई पंजाब की बोलिंग को मैं 6/10 दूंगी। वहाँ हर्षू जी हैं, तो हर्षू जी के लिए मैंने सारे नंबर इनके काट दिए हैं। एंड CSK की बोलिंग को मैं 7/10 दूंगी, क्योंकि दीपक चहर भाई साहब जो हैं वो बाहर चले गए एंड मुस्तफिजूर हैं वो भी बाहर चले गए। सो भाई थोड़ी सी बोलिंग लाइनअप वीक हो गई है। मुकेश चौधरी माइट का में प्रोबेबल्स की हम बात करते हैं, मुकेश चौधरी को चांस मिल सकता है अगर देश पांडे अभी तक फिट नहीं हुए हैं। तो प्रोबेबल्स की बात की जाए तो जॉनी बैरिस्टो, प्रभसिमरन सिंह, रायली रूसो, सैम करन, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत ब्रार, कसीदो रबाडा, हर्षल पटेल, राहुल चहर एंड इम्पैक्ट सब में मैंने अर्शदीप को रखा है। दिस इज द प्रोबेबल्स फॉर पंजाब। प्रोबेबल्स फॉर CSK, अजिंक्य रहाने, ऋतुराज गायकवाड़ एज द कैप्टन, डैरिल मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंदर जडेजा, MS धोनी, समीर रिजवी, शार्दुल ठाकुर, रिचर्ड लीसन, सो ही विल ऑल्सो बी वन टू वॉच आउट फॉर। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने लास्ट टाइम।
तुषार देशपांडे और मुकेश चौधरी एंड इम्पैक्ट सब में मैंने मथी राणा को रखा है। सो भाई दिस इज इट फॉर द मैच। दूसरा भी मैच है LSG वर्सेस KKR। दोनों जो है बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है। KKR ने तो अभी वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को हराया है, बट यू नो LSG इज ऑल्सो इन टॉप नॉच फॉर्म। मास्टोइनिस जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मयंक यादव जो है रूल आउट हो गए हैं फ्रॉम द IPL, ही विल नॉट बी टेकिंग पार्ट। उनका जिस जगह में इंजरी हुई थी, स्ट्रेन आया था, वहां टेयर हो गया है, सो नाउ ही विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द IPL। तो उस मैच के बारे में हम अपने लाइव शो में डिस्कशन करेंगे, वहीं प्रिव्यू करेंगे, वहीं आपसे बातचीत करेंगे। ज्यादा इस वीडियो में उस मैच के बारे में नहीं बात करेंगे। तो आप सारे लाइव वीडियो जरूर ज्वाइन करना, वहीं अपनी प्रेडिक्शंस भी दे देना, एंड तब हम ये मैच को टेक फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा हमारे पड़ोसियों की कुछ खबर है। हमारे पड़ोसी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो भाई आज की ताज़ा खबर ये है दैट PSL जो है नेक्स्ट ईयर का, उन्होंने IPL से क्लैश करते हुए शेड्यूलिंग की है। 7 अप्रैल से लेकर 20 मई तक उन्होंने डेट निकाली है, विंडो निकाली है PSL की, तो जो IPL से डायरेक्ट क्लैश करेगी। इसका मेन रीज़न है क्योंकि वहाँ मिड फेब से चैंपियंस ट्रॉफी रखने होने वाली है। सो उस टाइम होता है उनका PSL एंड दैट हैज नाउ गॉट पोस्टपोन सपोजिडली। तो भाई हमें कोई टेंशन नहीं है। मोस्टली जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अलग है। फैन कोड में PSL का मैच आता है, IPL स्टार स्पोर्ट्स एंड जियो में आता है, एंड दोनों की ऑडियंस भी अलग है, बिकॉज PSL मोस्टली पाकिस्तानीज देखते हैं, इंडियंस काफ़ी कम देखते हैं, एंड इंडियंस ज़्यादा IPL में फोकस करते हैं। सो आई डोंट थिंक देर शुड बी एनी मेजर इशूज, लेकिन देखते हैं अगर कुछ और हैसल्स खड़े होते हैं। टू बिग लीग्स कैन टेक प्लेस एट द सेम टाइम, दे डोंट हैव टू मच ऑफ अ कॉमन ऑडियंस, बट नुकसान अगर जो होगा वो होगा प्लेयर्स का। कुछ कॉमन प्लेयर्स हैं जैसे रायली रूसो हैं एंड 2-4 और प्लेयर्स हैं जो वहाँ भी खेलते हैं यहाँ भी खेलते हैं, तो वो प्लेयर्स को चूज करना पड़ेगा। एंड आपको तो सबको पता है कि कौन सी लीग वो चूज करेंगे, तो भाई उनको चूज करना पड़ेगा कौन सी लीग वो खेलेंगे। सो एनीवे ये हमारी पड़ोसियों की तरफ से खबर थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दे देती हूँ। सो एनीवे लास्ट एंड फॉरमोस्ट बड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है, एंड कंट्रोवर्सी जो है वो सुनील गावस्कर एंड विराट कोहली के बीच में हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री में ले जाती हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई। तो विराट कोहली ने भाई ने अच्छी इनिंग्स खेली, हमारे किंग है भाई, अच्छी इनिंग्स तो खेल रहे हैं, तो विराट कोहली जो किंग है उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद उन्होंने प्रेजेंटेशन में, आई विल रिक्रिएट इट, all the people who talk about strike rate and me not playing spin well love to talk about these things about milestones and numbers. It's just about doing my job for the team. So ye Virat Kohli ne bola presentation mein, he took a dig at the commentators jo baar baar unke strike rate pe question mark kar rahe hain. Virat Kohli jo apne team ko matches jita rahe hain phir bhi unke strike rate ke bare mein baat kar rahe hain. So he took a dig back and that was not taken very well by Sunil Gavaskar. To bhai Sunil Gavaskar ko extra mirchi lag gayi. To bhai baaki log jo hain wo shant ho gaye. Harsha Bhogle Shogle hain bahut sare hain, to wo चुपचाप से बैठ गए क्योंकि कोहली से पंगे लेके एक बार वो बैन हो चुके, दोबारा से वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। बट सुनील गावस्कर साहब जो है ही डिडंट होल्ड बैक। सो ही सेज, सुनील गावस्कर इन रिटॉर्ट सेज, व्हेन यू कोहली को बोल के टॉक अबाउट ऑल दीज गाइज टॉक अबाउट, ओ वी डोंट केयर अबाउट आउटसाइड नॉइज, अच्छा देन व्हाई आर यू रिप्लाइंग टू एनी आउटसाइड नॉइज और वट एवर इट इज, वी ऑल प्लेड अ बिट ऑफ क्रिकेट, वी डोंट हैव एजेंडाज। तो ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कल स्टार स्पोर्ट्स को बोला कि आप धोनी की प्रेजेंटेशन बार बार, वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बार बार आप क्यों प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इस हिसाब से आप स्टार स्पोर्ट्स के ही कॉमेंटेटर्स पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं दैट कोहली साहब कह रहे हैं कि हम लोग बायस्ड है, लेकिन हम लोग जो है वो स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से ही कॉमेंट्री करते हैं, तो भाई आप अपने ही कॉमेंटेटर्स को एट अ डिसएडवांटेज शो कर रहे हैं, तो आप वो बार बार इंटरव्यू ना शो करिए। इनफैक्ट उन्होंने बोला आप एक और बारी भी वो ना शो करिए। तो भाई आप सुनील गावस्कर, पहली बात ठीक है आप बहुत बड़े प्लेयर थे, आपने बहुत इंडिया के लिए अचीव किया है, या नहीं अचीव भी किया है बट किया है, अपने लिए तो बहुत ही अचीव किया है, बट आई डोंट नो who you are to dictate or warden or moral police what Virat Kohli has to say. देखिए आप कमेंट्री में बैठे हैं, विराट कोहली वहां स्ट्राइक में है, वो अपनी टीम के लिए स्वेट एंड ब्लड निकाल अपने बहा रहे हैं,
तो आप वहां तो बड़े क्रिटिकली एक माइक लेके कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसने माइक लेके कुछ वापस आपको बोल दिया तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. जस्ट इमेजिन व्हेन यू आर, इफ यू आर प्लेइंग अ मैच एंड स्पेशली यू रिमेंबर दैट वर्ल्ड कप मैच जहां आपने 36 रन्स बनाए थे इन 174 बॉल्स. 36 रन्स इन 174 बॉल्स आपने जो 1975 का वन डे कप, वन ओडीआई वर्ल्ड कप था जहां अल्ट्रा डिफेंसिव हो गए थे आप बहुत ज्यादा. जस्ट इमेजिन वो वाला मैच चल रहा हो, वहां आप पसीने बहा रहे हो, पसीने नहीं पता नहीं मैच हरवा ही रहे होंगे हमें जो इंडिया को, कि आप 36 रन्स बना रहे हैं इन 174 बॉल्स में. तो आपका स्ट्राइक रेट तो आप ही बेटर जानते हैं, हमसे ज्यादा आप ही जानते हैं कि क्या होगा. तो आप उस मैच को क्या कर रहे हैं, आप इमेजिन करिए वो मैच चल रहा है, एक्चुअली वो मैच टीवी में चल रहा है, म्यूट होके चल रहा है, विराट कोहली कॉमेंट्री कर रहा है उस मैच में जो आप वहां गंद फैला रहे थे. तो आप मुझे ये बताइए, जब आपकी स्ट्राइक रेट इतनी पुअर थी एक वर्ल्ड कप के मैच में जिन्होंने आपने बिकॉज यू हैड अ प्रॉब्लम विद कपिल देव दैट वो कैप्टन बन गए थे, आप अपना मुंह फुला के बैठ गए थे एंड यू नो यू डिडंट वांट द अदर कैप्टन टू विन, सो यू ट्राई टू गो अल्ट्रा डिफेंसिव एंड नॉट विन फॉर द कंट्री. अगर आप ऐसी चीज कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन वो टीवी में चल रहा हो मैच एंड विराट कोहली कमेंट्री कर रहे हो और वो आपकी यू नो करतूतों को एक्सपोज कर दें तो आपको कैसा लगेगा. और फिर क्या आप स्टार स्पोर्ट्स को ये डिक्टेट देंगे दैट यू नो आप ये चीजें दोबारा मत दिखाइए. सो प्लीज यू नो आई थिंक पीपल शुड लुक इन टू देयर ओन ऑन देयर ओन सेल्फ फर्स्ट. अपने आप को मिरर पे पहले देखना चाहिए रादर देन पिन पॉइंटिंग फिंगर्स टू समबडी लाइक विराट कोहली हु हैज unselfishly given his 15 years for the country and 15 के आगे और 15 जोड़ दीजिए जब उसने प्रैक्टिस की थी इस हिसाब से प्लेयर बनने की. आप भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, आप भी सीनियर प्लेयर है, आप भी बहुत रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन ऐसी चीज कह के एंड स्टार स्पोर्ट्स को ही डिक्टेट देके कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, तो मतलब वो आपके मतलब की चीजें दिखाएंगे जो आप चाहते हैं, जो आपके फेवर में, जो आपके अगेंस्ट नहीं जाता वो चीजें वो दिखाएंगे. लेकिन अगर कोई चीज आपके अगेंस्ट चली जाती है तो उससे आपको बड़ी मिर्चियां लग जाती हैं. सो आई थिंक सुनील गावस्कर, अगर इफ यू यू नो हैव द ऑडेसिटी टू गिव इट देन यू हैव टू हैव यू नो द जिगरा टू एक्चुअली टेक इट. सो भाई एज विराट कोहली सेज If you can give it, then you have to take it as well. And अगर आपसे लिया नहीं जाता तो आप थोड़ा सा जो इतना बोलते हैं ना और मुंबई इंडियंस के पीछे लारे लप्पे लगाते रहते हैं वो बंद करिए. आई मीन इट्स फॉर एवरी वन टू सी हाउ बायस्ड यू आर फॉर मुंबई इंडियंस एंड रोहित शर्मा. वाई डोंट यू फॉर अ चेंज टॉक अबाउट रोहित शर्मा फॉर्म एंड हिज स्ट्राइक रेट एंड हार्दिक पांड्या फॉर्म एंड सूर्य कुमार यादव वेज ऑफ डीलिंग एंड द वे मुंबई इंडियंस इज लूजिंग एंड इज इन नंबर 10. बट वो आप बोलेंगे नहीं क्योंकि मुंबई इंडियंस आपका यू नो फेवरेट टीम है, आप अंबानी के बहुत ज्यादा आई डोंट नो क्या करते हैं. सो एनीवे जो करेक्ट चीज है उसमें आपने बोलना नहीं है. अगर किसी ने आपको किसी गलत चीज पे वापस सुना दिया या सिखा दिया एंड यू डिडंट इवन टेक योर नेम, सो यू आर द गिल्टी पार्टी हियर हु फील्स दैट कोहली मेरे बारे में ही बात कर रहा था. सो एक्चुअली यू आर द गिल्टी पर्सन हियर. सो एनीवे This is what has happened. Sunil Gavaskar ki match winning 30, match losing 36 balls, 36 runs, 174 balls. And Virat Kohli, what he does for India, what he has done against Pakistan for India. So, wo cheez hum comparison karenge. And, you know, isme, I'm sorry to say, but Sunil Gavaskar loses in a very big way. So, anyway, that is it for this video. And mein thoda garma garmi ho gayi, but I really don't like जब विराट कोहली में यूजलेसली ऐसे कमेंट्स आते हैं. अगर आपकी इनिंग्स निकाल के हम कमेंटेट करने लग जाए तो आपको पता चले कि कैसा फील होता है. सो एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. लेट्स एंजॉय द मैच. ये सब नेगेटिविटीज हटाते हैं, एंजॉय करते हैं एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगर कोई कमेंट्स होंगे तो जरूर नीचे आप मेंशन कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.